हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो देखो गाइस, जो बच्चे एलआईसी असिस्टेंट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए मैं गुड न्यूज लेके आया हूँ गाइस। गुड न्यूज क्या है कि जो एक्सपेक्टेड डेट है नोटिफिकेशन की, प्री एग्जाम की, मेन्स एग्जाम की, वो क्या है वो आपको सभी बताऊंगा। बस ये आप वीडियो के साथ जुड़े रहे। तो गाइस देखो, ये जो भर्ती है ये अगर मैं देखूँ, रिक्रूटमेंट आपकी 2019 में लास्ट देखने को मिली थी, मतलब 19-20 में आपकी देखने को मिली थी और अप्रोक्स 8000 के आसपास इसमें वैकेंसी आई थी गाइस। तो इस बार क्या है, लार्ज नंबर ऑफ, मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, या गाइस जो बहुत ही ज्यादा मास नंबर ऑफ रिटायरमेंट होने वाले हैं इसके अंदर। तो उनका एक आपका सर्कुलेशन में आया था उनका, ठीक है, तो सर्कुलेशन में ये आया था कि जब मास नंबर ऑफ रिटायरमेंट हो रहे हैं तो मास नंबर ऑफ वैकेंसी मतलब वो डिक्लेयर करेंगे। तो अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो 7 से 8 हजार आपकी ये वैकेंसी एलआईसी असिस्टेंट की आने वाली है। अब इसमें क्या है कि सबसे बढ़िया प्रॉफिट इसमें क्या है, अगर फायदा है इसमें क्या है, जो मेंस का रेशियो होता है ना, मेंस में जो सिलेक्ट करते हैं, एक तो प्री में क्या होता है इसकी सेक्शनल, मतलब क्या है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है, मैंने भी दिया था लास्ट टाइम आपको, मैंने दिखाया स्कोर कार्ड, इसमें क्या होता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक फायदा आपका इसमें इंग्लिश और हिंदी में से आप एक चूज कर सकते हो, ये भी आपके लिए फायदा है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए एक बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो कि इसमें अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो बच्चा क्या कर सकता है, हिंदी को टारगेट कर सकता है। उसके बाद इसमें रेशियो जो होता है ना मेंस में सेलेक्ट करने का, वो 1:20 का होता है, बाकी एग्जाम में कितना होता है, 1:10 का होता है, बट इसमें क्या होता है 1:20 का होता है गाइस। तो बच्चे ज्यादा प्रिफर करते हैं एलआईसी असिस्टेंट की जॉब। अब इसमें क्या है, जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर है, मतलब नवंबर के स्टार्टिंग वीक में आपको एक तो एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और एलआईसी असिस्टेंट का भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद प्री एग्जाम की बात करूं तो दिसंबर के लास्ट वीक में हो सकता है और मेन्स जो आपका है वो 17, 19 या 20 जनवरी को आपका एक्सपेक्टेड है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये ऑलरेडी आपको मिल गई होगी, बट मेरी जो यूट्यूब फैमिली उसके लिए बना रहा हूँ, आपका ज्यादा मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिले। क्योंकि तो बच्चों का है तो कुछ ही मार्च से सिलेक्शन रुक गया था, ना तो उनका आईबीपीएस पीओ हुआ, ना आईबीएस क्लर्क हुआ, ना आरआरबी पीओ हुआ, ना आरआरबी क्लर्क हुआ, तो किसी ना किसी मतलब 0.25 से उनका सिलेक्शन रुक गया था। अब देखो, दो नोटिफिकेशन आपके हाथ में, एसबीआई क्लर्क आपके पास आने वाला है और आप एलआईसी असिस्टेंट भी आपके पास आने वाला है। दबा के तैयारी स्टार्ट कर दो, इस साल आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से स्टार्ट कर दो, वेट मत करना। ये भी कि एसबीआई पीओ मतलब अगर है तो बढ़िया है, क्योंकि एसबीआई पीओ का आपको पता है लेवल बहुत तगड़ा आने वाला है और जिन बच्चों का लेवल तगड़ा नहीं है वो क्या करते हैं, एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हैं और एलआईसी असिस्टेंट को टारगेट करते हैं। तो इन एग्जाम को अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो और कोशिश करना जितना हो सके उतने डेली बेसिस पे मॉक स्टार्ट कर दो गाइस, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना, इंस्टा मैंने आईडी दे रखी है, लिंक दे रखा है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर लेना। और मुझे किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए आपको तो मैं आपकी हर प्रकार की हेल्प करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।